आइए और जानकारी लेते हैं कि इनके क्या विडम्बना है, किन विडम्बनाओं को लेकर ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी मांग को लेकर आए। सर आपका नाम? इस्लामिक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक एसोसिएशन। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप ये जंतर मंतर पर आए हैं? देखिए 1993 से हम लोग मदरसों में सरकार की स्कीम HRD की स्कीम में काम कर रहे हैं। दो सालों से मिला है, इससे इनका परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया है। उसका ये कि सरकार साल साल दो दो तीन तीन साल पे वेतन देती है, तो ऐसे में दूसरे जो सरकारी कर्मचारी है उनको हर माह वेतन मिल जाता है, तो अगर हम लोगों को भी हर माह वेतन मिल जाता तो कम से कम हमारे परिवार चल जाते हैं। अगर सरकार हमारी सेवाओं को रेगुलाइज नहीं करती है, हमारे जितने भी टीचर है उसमें से 75% MA और MBA तो अच्छी क्वालिफिकेशन के लोग हैं, तमाम TET भी क्वालिफाइड हैं, तो अगर ऐसे में हमारी सर्विसेज को रेगुलाइज नहीं किया गया तो हमारा जो है फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि हमारा वो HRD से तत्काल जारी कराया जाए और जो हमारी सेवाएं हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। जी जो आपका जो वेतन आता है वो क्या किस रूप में आता है और किस तरीके से आता है? हमारा जो मानदेय है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय ग्रांटिनेट कमेटी पास करती है, उसके बाद में वो पैसा भारत स्टेट गवर्नमेंट को जारी किया जाता है। भारत सरकार ने जुलाई में उसको पास किया था पिछले साल 2014 में, लेकिन आज तक उस पैसे को जो पास किया था उसको भारत सरकार ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को जारी नहीं किया। जब स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों को नहीं दे पा रही है तो इस तरह से हम लोगों का पूरी तरह से पैसा फंसा हुआ है। सर एक मदरसे के अंदर कितने स्टूडेंट होते हैं और उसके जितने स्टूडेंट हो उसके ऊपर कितने अध्यापक होते हैं? हमारा कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहाँ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 200-300 से कम हो। और मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो है सरकार ने मैक्सिमम 3 टीचर जो है दिया है। आप हर मदरसा चाहे टीचर दिया है उनको स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के हिसाब से देना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम जो है 40 जो स्टूडेंट है उसमें एक टीचर होना जरूरी है। तो सरकार को मानना है ऐसे में स्टूडेंट के हिसाब से टीचर देने चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से भी नहीं दिया और जो दिया भी। अच्छा मदरसे के अंदर मतलब किस किस कम्युनिटी के स्टूडेंट आते हैं? देखिए मदरसे में ज़्यादातर तो माइनॉरिटी मुसलमान कम्युनिटी के लोग आते हैं, तमाम हमारे ऐसे मदारिस हैं जिसमें दूसरे भी कौमों के हिंदू और दूसरी भी मजहब के लोग भी कम्युनिटी के लोग भी पढ़ने आते हैं। और हमारे जो टीचर हैं इसमें से 30% जो टीचर हैं टीचर दूसरी कम्युनिटी के हैं, हिंदू कम्युनिटी के टीचर। आप इस प्रदर्शन को लेके आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? देखिए हमने सांस्कृतिक धरना आज एक दिन के लिए लगाया है और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी मानती है तो अगले महीने से हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन। अभी आपने बताया कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन हम हड़ताल करेंगे, तो आपका क्या मानना है, आप कहाँ से आए हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम होता होगा वो करेंगे, क्योंकि 2 साल हो गए हैं किसी भी आधुनिक अध्यापक को जो है अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है, और वैसे भी जब मिलता था तो 6-6 महीने 1-1 साल का वेतन मिलता था तो प्रतिमाह वेतन नहीं मिलता। सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारा जो वेतन है वो सबसे पहले तो प्रतिमाह मिले और जो बकाया वेतन है वो भी जो है समय पर मिलना चाहिए, और जहाँ तक जाँच की या इंस्पेक्शन की बात है सरकार की तो उसमें सभी मदरसे और मदरसों के टीचर और मदरसों के प्रबंधक सभी लोग जो है पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे सरकार का हर कदम पर, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो अध्यापकों को सरकार का नाम बार बार ले रहे हैं तो ये मदरसों को जो देखने जो मदरसों की जो देख रेख है वो कौन करता है? प्रबंधक के अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ सरकार की बात कर रहे हैं कौन करता है? करता है हर जिले पर जो है अब और ये आपने राज्य सरकार से अपने गुहार लगाई, क्या आश्वासन दिया गया? अभी कोई आश्वासन नहीं, इसीलिए सांकेतिक धरना रखा गया है यहाँ पर।